वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा इस समय भारत दौरे पर हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी में उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान अल इस्सा ने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। अल इस्सा ने कहा कि भारत अपनी विविधता के साथ ही सह अस्तित्व के लिए एक महान मॉडल देश है और दुनिया को शांति का संदेश दे सकता है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल इस्सा ने कहा कि बीते कई दिनों में भारतीय समाज के विभिन्न घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने भारत में मुस्लिम समाज को लेकर कहा कि उन्हें अपने संविधान पर गर्व है और अपने राष्ट्र पर गर्व है। साथ ही भारत के मुस्लिमों को देश के उस भाईचारे पर भी गर्व है जो भारतीय समाज के बाकी घटकों के साथ साझा करते हैं। अल इस्सा ने अपने भाषण में भारतीय ज्ञान के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा ने मानवता के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में यह निराशावादी सिद्धांत है जो कहता है कि सभ्यता के बीच टकराव अपरिहार्य है, लेकिन भारत सह अस्तित्व की भावना का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूर्व और पश्चिम के बीच पुल बनाना नामक एक पहल शुरू की है। बता दें कि अल इस्सा फिलहाल सऊदी अरब स्थित संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव हैं और दुनिया भर में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आज दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। अल इस्सा 5 दिन के भारत दौरे पर हैं और उन्हें उदारवादी इस्लाम के लिए एक अग्रणी वैश्विक आवाज माना जाता है।